सबसे शुभ नक्षत्र में हो रही है 2021 की शुरुआत। पुष्य नक्षत्र को माना जाता है अत्यंत शुभ। 2021 में बरसेंगी सिर्फ खुशियां ही खुशियां। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। वर्ष 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ योग में पुष्य नक्षत्र में कन्या लग्न व कर्क राशि में होने जा रही है। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनमें पुष्य नक्षत्र जो है वो 8वां नक्षत्र है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है और इसे नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है, यानी नक्षत्रों का शहंशाह। ये योग हमें सभी कार्यों में सिद्धि देता है। वर्ष 2020 पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा, आर्थिक मोर्चे से लेकर के स्वास्थ्य मोर्चे तक देश दुनिया को दिक्कत झेलनी पड़ी। लाखों लोग बेरोजगार हुए, लाखों लोग कोरोना महामारी का शिकार हुए, लेकिन नया साल यानी वर्ष 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ योग में होने जा रही है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीनों में 22 दिन जो है वो पुष्य नक्षत्र योग रहेगा। इसमें 2 दिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग रहेगा और 2 दिन रवि पुष्य नक्षत्र योग रहेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र योग बनता है तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र योग कहते हैं और अगर रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र योग बनता है तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी को भी पुष्य नक्षत्र रहेगा, 28 जनवरी को भी रहेगा। और मैं आपका जानकारी के लिए ये बता दूं कि जनवरी महीने में तो 28 जनवरी को पुष्य नक्षत्र रहेगा, इसके बाद फरवरी महीने में 24 व 25 फरवरी को, मार्च महीने में 23 व 24 मार्च को, अप्रैल महीने में 19 व 20 अप्रैल को, मई महीने में 17 व 18 मई को, जून महीने में 13 व 14 जून को, जुलाई में 10 व 11 जुलाई को और अगस्त में 7 अगस्त व 8 अगस्त को, और इसी तरह सितंबर में तो 3 योग बनेंगे, 3 सितंबर को, 4 सितंबर को, 30 सितंबर को, और अक्टूबर महीने में 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र योग रहेगा। नवंबर महीने में 24 नवंबर व 25 नवंबर को ये शुभ योग रहेगा और दिसंबर महीने में 20 दिसंबर व 21 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र योग रहेगा। इस नक्षत्र के दौरान कोई भी कार्य बहुत शुभ फल देता है और जो लोग ज्योतिष पर और नक्षत्रों पर यकीन रखते हैं, शास्त्रों पर यकीन रखते हैं, उन्हें इस पुष्य नक्षत्र योग का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नए साल की जो बहुत शुभ और शानदार शुरुआत हो रही है उस सिलसिले में जनवरी का महीना भी बहुत ही शुभ नतीजे देने वाला है। कुंडली टीवी के दर्शकों को मैं बता दूं कि 14 जनवरी को 5 ग्रह मकर राशि में संचरण करेंगे और जो मकर संक्रांति है इस बार वो 5 ग्रहों के शुभ योग में मनाई जाएगी। इस दिन मकर राशि में सूर्य के अलावा चंद्रमा, शनि, बुध व गुरु ये 5 ग्रह संचरण करेंगे। मकर राशि जो है वो जल की राशि है, चंद्र, गुरु व बुध जो है इन्हें सुखकारी ग्रह माना जाता है और इन सबके एक साथ होने से बहुत ही शुभ मंगलमय रहेगा, सुख व समृद्धि बढ़ेगी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और इस दिन गुरु पुष्य योग बनेगा। ये अमृत योग माना गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में। मकर राशि में बुध, गुरु, शुक्र, शनि व सूर्य ग्रह संचरण करेंगे और इस दिन स्नान और दान करने से रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जनवरी महीने में 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र अपनी राशियां बदलेंगे। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद अपनी राशि बदलते रहते हैं और जनवरी महीने में मंगल ग्रह जो हैं वो वृषभ राशि में रहेंगे, शनि और गुरु मकर राशि में रहेंगे, राहु भी वृषभ राशि में रहेंगे, केतु वृश्चिक राशि में संचरण करते रहेंगे और इन ग्रहों का कम्बिनेशन और नए साल पर जो बन रहा शुभ योग है पुष्य नक्षत्र योग, ये बता रहा है कि वर्ष 2021 की जो ना केवल शुरुआत शानदार होगी बल्कि ये साल कई मामलों में
विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों भरा भी साबित होने वाला है, खुशियां बरसेंगी और अधूरे पड़े काम हम पूरे उत्साह के साथ पूरे कर पाएंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही, मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।